आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो आज हम तंदूरी चिकन बनाएंगे माइक्रोवेव में, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम झटपट और बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और एकदम क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी तंदूरी चिकन हमारा बनता है। तो चलिए हमारा तंदूरी चिकन माइक्रोवेव में बनाना शुरू करते हैं। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम एक बाउल में लेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने धुला हुआ अच्छे से चिकन ले लिया है। ये 750 ग्राम यानी कि 750 ग्राम चिकन है ये। इसमें हम डालेंगे चिकन फ्राई मसाला। यहाँ पर मैंने अलादीन का चिकन एंड फिश फ्राई मसाला लिया है। आप कोई भी चिकन या मीट मसाला ले सकती हैं इसे फ्राई करने के लिए। अगर आप चाहें तो होममेड मसाला भी इसमें लगा सकती हैं, जिससे मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया है घर में होममेड आप ये मसाला कैसे बना सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर होममेड चिकन फ्राई या फिर तंदूरी चिकन फ्राई मसाला देख सकती हैं बनाना। तो अभी हम रेडीमेड जो ये हमारा मसाला है इसका पैकेट मैंने खोल लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर ये 1 किलो के लिए पैकेट है, बाकी मैं यहाँ पर 750 ग्राम में ही इसे पूरा डाल रही हूँ ताकि हमारा जो चिकन है वो एकदम स्पाइसी और टेस्टी बने। यहाँ पर हमें टोटल सभी चीज़ें मिक्स आई है, हमें यहाँ पर नमक अदरक लहसुन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये मसाले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हमारे चिकन में। अच्छे से हमने इसे मिला दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें। बाकी तेल डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है और एकदम ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा मसाला ड्राई लग रहा है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो तेल को हम कर देते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे पूरे चिकन में मिक्स। चिकन तो हमारा पूरा हो गया है मिक्स। तो अब हम इसे ढक कर रख देते हैं आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है तो हमारा चिकन देख लेते हैं। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया ये हो गया है। एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है एक बेकिंग ट्रे जिस पर रख दी है हमने जाली, जिस पर हम हमारा चिकन को अच्छे से माइक्रोवेव करेंगे। तो पहले इसे अच्छे से जमा देते हैं जाली पे। इस पर हम एक और जाली रख देंगे। हमने अच्छे से जमा दिया है 2 ट्रे पे। तो अब हम इसको कुक करने के प्रोसेस में चलते हैं। अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव में। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन मोड पे हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। टाइमर लगा देते हैं तो 10 मिनट के लिए पहले हम करेंगे स्टार्ट कर देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, माइक्रोवेव की कुकिंग प्रोसेस बंद हो चुकी है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। माइक्रोवेव बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है तो बिल्कुल इसमें हाथ नहीं डालें। जब भी हाथ डालें तो एक ऐसा ग्लव लें। अगर आपके पास ये ग्लव नहीं है तो आप कोई भी अच्छे मोटे कपड़े से अपना हाथ कवर करें, उसके बाद माइक्रोवेव से ये चिकन निकालें। देखिए आप एक साइड से कितना बढ़िया कुक हो चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे। साथ ही हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा तेल। तो अब हम इसे फिर से माइक्रोवेव कर लेते हैं 10 मिनट के लिए।
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तंदूरी चिकन एकदम बन के तैयार है, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया ही दिख रहा है। चिकन के साथ सर्व कर रही हूँ मैं प्याज, थोड़ा सा कोथमीर, यहाँ पर मैंने लिए हैं नींबू, साथ ही में मैंने लिया है मेयोनीज और केचप। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चटनी यानी कि हरी चटनी भी ले सकती हैं। तो अब हम हमारे चिकन को सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा तंदूरी चिकन माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से बनके तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही नई नई और आसान वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए मेरे सेकेंड चैनल कुक विद हार्ट इंग्लिश पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए इसे लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।